Zoom, isko dekho. जब शहर के सबसे बड़े नाम मौजूद हो किसी इवेंट पर, जाहिर है लॉन्च होने वाला होगा एक और इंटरनेशनल ब्रांड. ऐसे एक ब्रांड लॉन्च पर मौजूद थे मुंबई के सभी पेस्ट्री आइट्स, जिसके चलते इस शाम का ग्लैमर क्वोशंट हो गया था बहुत हाई. सेलेब्स के लिए तो लग्जरी भी है नेसेसिटी. हाँ, ये जरूरी नहीं कि लग्जरी का मतलब सबके लिए होगी महंगी चीजें, बल्कि सभी के लिए है इसकी परिभाषा अलग अलग. लग्जरी इज दैट व्हिच यू फाइंड वेरी डिजायरेबल, वेरी एस्पिरेशनल एंड व्हिच यू कैन एक्चुअली अफोर्ड और एटलीस्ट होप टू ड्रीम अबाउट अफोर्डिंग समडे. ये नहीं कि ज्यादा पैसा हो तो आप लग्जरी से, वो नहीं है. आई थिंक इट्स अबाउट स्टेट ऑफ माइंड. लग्जरी वो चीज होता है जो मेरे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं मुमकिन बनाती हूँ उसको. समथिंग विच यू कैन नॉट अफोर्ड, आई गेस. अल्टीमेट लग्जरी मेरे ख्याल में इज जस्ट कंप्लीट रिलैक्सेशन, नो वर्क, नो ट्रैवलिंग. एक्सपेंसिव, नॉवेल्टी, एक्सक्लूसिव. रोज कोई नया इंटरनेशनल ब्रांड आता है इंडिया में और सेलेब्स को मिल जाता है कुछ नया, कुछ एक्सक्लूसिव. तो काफी हद तक ब्रांड्स, खास तौर पे इंटरनेशनल ब्रांड्स पर डिपेंड करता है उनका लग्जरी का कॉन्सेप्ट. बिल्कुल नहीं, हमारी कंट्री तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. जो अपने आंगन में है वो तो अपने आंगन में है ना, तो हमेशा इंटरनेशनल थिंग्स विल बी मोर अपीलिंग. अगर ब्रांड नेम नहीं है तो उसको लग्जोरियस नहीं माना जाता है. लग्जरी में तो जितना इंडल्ज करो ख्वाहिशें उतनी ही बढ़ती है. द रिच एंड फेमस भी चाहते हैं कुछ पाना जो अभी नहीं है उनके पास. मेरा खुद का मे बी प्राइवेट जेट, घड़ी और डायमंड्स. और घड़ी में अगर डायमंड्स है उससे बड़ा कुछ भी नहीं है. बहुत कुछ है, घड़ियां है, गाड़ी है. अ बर्बरी हैंडबैग व्हिच आई डोंट हैव येट. एकदम बेहतरीन गाड़ी, एन एस्टन मार्टिन इज व्हाट्स. कोई ऐसा फार्म जहां सब कुत्ते और कुत्ते के बच्चे हों, कुत्ते, बिल्ली, जानवर. खुला हवा अभी बॉम्बे में तो मिलती नहीं. मैं काफी खुश हूँ जो मेरे पास जो भी है. इसमें अगर विश करने लग जाओ देयर इज नो एंड टू इट. मगर कुछ लग्जरी चीजें ऐसी भी हैं जो सेलेब्स को लुभाती तो है, लेकिन वो उनसे बचते भी हैं. आपको तो मैं वो नहीं बता सकती हूँ. हर लग्जरियस आइटम जो टेम्प्ट करती है उससे बचना तो चाहिए सबको. तो सेलेब्स के शौक पूरे करने के लिए आते रहेंगे मार्केट में नए नए ब्रांड्स, ताकि स्टाइल और लग्जरी हमेशा उनके साथ जुड़े रहे. जूम मुंबई. क्या हो रहा है हॉलीवुड में, क्या है इंटरनेशनल रैम सीन का हाल, कौन सी फिल्म की रिलीज होने वाली है ग्रैंड, तो कौन से रेड कार्पेट पर नजर आएंगे सेलेब्स, कौन सी एल्बम कर रहा है कौन सा इंटरनेशनल बैंड तैयार, तो कौन कर रहा है चैरिटी से प्यार, सब हमारे साथ इस इंटरनेशनल न्यूज सेगमेंट में. सारा जेसिका पार्कर ने लॉन्च किया खुद की एक कपड़ों की ब्रांड को. 41 साल की सारा ने जब से सेक्स इन द सिटी टेलीविजन सीरीज में कैरी ब्रैडशॉ का किरदार निभाया है, तब से उनकी फैशन सेंस को काफी सराहा गया है. शायद ये काम आए उनकी क्लोथ्स लाइन को प्रमोट करने में. जेनिफर लोपेज का नाम भी अब जुड़ गया है प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में. उनकी पहली फिल्म एल कंतांते एक स्पेनिश सिंगर की जिंदगी पर आधारित है. जेनिफर को ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा लगा कि उनसे रहा ना गया और उन्होंने ठान ली हस्बैंड मार्क एंथनी के साथ इस फिल्म को प्रोड्यूस करने की. This was a story that was worth telling and something that I wanted to do, wanted to be part of, and it just became kind of the first project that I really as a producer wanted to be involved with. She called me right away and I attached myself to the movie. This was, you know, we were in totally different stages of our lives, and she just told me that there's no one else that could play this part like you. जेनिफर और मार्क सिर्फ अच्छे सिंगर्स ही नहीं बल्कि अच्छे एक्टर्स भी हैं, और उनके फैंस को होगा इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार. अब देखना ये है कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस भी क्या जादू करती है. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई. फॉर ऑल द अपडेट्स ऑन पेज 3 न्यूज, एसएमएस पेज 3 टू 8888. उपेन पटेल है खुद को प्रमोट करने में माहिर. उनकी फिल्म शाकालाका बूम बूम के पोस्टर्स में उनके साथ हैं उनके को स्टार्स भी. मगर उपेन ने टाई अप किया है एक फिटनेस ब्रांड के साथ, और इस वजह से हर तरफ इस फिल्म के पोस्टर्स हैं, लेकिन इनमें सिर्फ उपेन दिखाई देते हैं. उपेन का कहना है कि ये सब हुआ है फिल्म के प्रोड्यूसर की मंजूरी के साथ, मगर प्रोड्यूसर सुनील दर्शन कहते हैं कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ उपेन ही जिम्मेदार हैं.
Well, लगता है उपेन आप खुद की पब्लिसिटी के चक्कर में भूल गए हैं टीम वर्क को. For gossip, news, views, scandals, controversies, scoops and tantrums, keep watching Page 3 only on Zoom. इसको देखो.